मॉड्यूल 210 ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नवोसा सी सो ना वी विल डिस्कस कि किस तरह कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी को वी कैन यूज़ इन ऑर्डर टू मैनेजमेंट फॉर द एनोरेक्सिया नवोसा ओके इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है कि हमने मॉडिफाई करने हैं उनके डिस्टॉटेड बिलीव्स को अब मॉडिफाई हमने किस तरह उनके बिलीव्स को करना है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक चार्ट के थ्रू फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है जिसके अंदर जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आ रहा है रिलेटेड टू विद एनोरेक्सिया नवोसा वो ये है कि आई एम नॉट हंग्री सो आई डोंट नीड टू ईट तो ये जो है वो ऑटोमेटिक नेगेटिव थाट है अब ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थाट क्यों है क्योंकि हम ये बार बार कह रहे हैं कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसके अंदर इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट होता है अब जब इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट है तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट को ये होगा कि ना मैं हंग्री फील कर रहा हूँ और ना ही मुझे खाने की ज़रूरत है क्यों क्योंकि अगर वो खाएगा तो उसके अंदर ये फियर है कि वो वेट गेन कर लेगा तो उसके अंदर दिमाग के अंदर जो पहले ऑटोमेटिक नेगेटिव थाट आएगी वो ये आएगी कि आई एम नॉट हंग्री सो आई डोंट नीड टू ईट अब हम इसे ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट क्यों कह रहे हैं इसलिए क्योंकि इसकी वजह से बच्चा जो है वो मेल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है और जो उसका ईटिंग बिहेवियर है या फूड इनटेक है वो लेस है अब हम उसे ये कहते हैं कि ओके यू शुड गिव आसा एविडेंस फॉर कि आप कैसे कह रहे हो कि आपको भूख नहीं लगी हुई तो एविडेंस फॉर में वो आपको क्या बता रहा है कि आई हैव जस्ट ईटन थ्री आवर्स बिफोर यानी वो आपको रेफरेंस दे रहा है कि तीन घंटे पहले उसने खाना खाया था जब हम ये कहते हैं कि जो अनहेल्दी थॉट्स हैं उनको हम हेल्दी थॉट्स में चेंज करेंगे तो उसको चेंज करने की एक टेक्निक ये है कि हम उसके लिए एविडेंस फॉर और एविडेंस अगेंस्ट जो है वो क्लाइंट से मांगते हैं तो एविडेंस फॉर ये आपको वो कह रहा है कि मैंने तीन घंटे पहले जो है वो खाना खाया था अब एविडेंस अगेंस्ट क्या है वो ये है कि जो फूड पोर्शन उसने लिया था दैट इज़ वेरी स्मॉल तो अब हम कहेंगे कि ओके जस्ट थिंक अबाउट द एविडेंस अगेंस्ट के, okay, के आपका इसके अगेंस्ट एविडेंस क्या है और उसकी जो ऑल्टरनेटिव थॉट जो है वो जो डेवलप होगा वो ये होगा कि दो आई एम नॉट ए हंग्रीव बिकॉज आई हैवेंट गिवन माई बॉडी द न्यूट्रिशन इट नीड्स तो ऑल्टरनेटिव थाट जो है वो हम उसकी ये डेवेलप करेंगे कि चाहे मुझे भूख नहीं लग रही लेकिन चूँकि मेरी बॉडी को मैक्सिमम न्यूट्रीशन नहीं मिल रही देअ फोर आई हैव टू ईट ठीक है तो जब हम उसको ये बात कहेंगे तो दैट्स मीन के उसको ये आइडिया हो रहा है कि जो उसकी बॉडी है उसमें न्यूट्रीशन लेस एंड दैट्स वाई दैट क्लाइंट हैज टू ईट फर्दर देन वी विल सी एन अदर थिंग कि जिसमें उसकी थॉट ये है कि आई एम फैट आई हेट माई बॉडी आई डोंट डिजर्व टू ईट जैसे हम बार बार ये बात कहते हैं कि जो ऐसे क्लाइंट्स हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है उनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि उनके अंदर लो सेल्फ़ इस्टीम जो है वो डेवलप हुई होती है ठीक है दे हेट दम सेल्फ ऐसा क्यों है बिकॉज दे आर गेटिंग द नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट तो अगर इस किस्म का ऑटोमेटिक थॉट उसके अंदर डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ पास क्रिटिसिजम बिकॉज ऑफ हैविंग बुलिंग फ्रॉम द सराउंडिंग्स तो वो उसका ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट ये आ रहा है कि आई एम फैट आई हेट माई बॉडी आई डोंट डिजर्व टू ईट अब हम जब उससे पूछते हैं कि उसके लिए ये एविडेंस फॉर क्या है कि वो क्यों अपने आप को फैट कंसिडर रहा है या क्यों वो बॉडी से हीट कर रहा है तो वो कहेगा कि माई बैली हैज़ किन मैस कि जो मेरी बली है दैट हैज़ बिकम बिगर एंड बिगर लेकिन जब हम उसे कहेंगे कि ओके वट एवर योर इज वट द एविडेंस अगेंस्ट फॉर दैट थिंग तो माइट बी वो एविडेंस अगेंस्ट उसके जो है वो ये आ सकता है कि जो उसका बी एम आई है दैट इज़ इन द बॉर्डर लाइन दैट्स मीन कि जो मेल न्यूट्रिशन है वो उसकी इंक्रीज हुई हुई है और वो अंडर वेट है ठीक है तो इसकी बेसिस के ऊपर उसका जो ऑल्टरनेटिव थाट जो है वो जो डिज़ाइन होगा वो क्या होगा ये परसेप्शन ऑफ माय बॉडी इज डिस्टॉर्टेड ठीक है आई नीड टू नरिश माय बॉडी टू फील बेटर फिजिकली एंड इमोशनली तो बेसिकली उसको ये रियलाइजेशन होगी कि जो उसकी परसेप्शन है टू वर्ड्स द बॉडी वो क्या है वो डिस्टॉर्टेड है और उसको फूड की ज़रूरत है टू तो फील हिमसेल्फ बेटर इमोशनली और फिजिकली तो बेसिकली ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है जिसकी बेसिस के ऊपर आप ये समझ सकते हैं कि जो डिस्टॉर्टेड बिलीव होते हैं उनको हम किस तरीके से चेंज कराते हैं देन वी विल टॉक अबाउट द सेल्फ मोनिटरिंग सेल्फ मोनिटरिंग का क्या मतलब है कि जिस वक्त क्लाइंट जो है वो बेस लाइन चार्ट जो है वो मॉनिटर करेगा और उसको ये आइडिया होगा कि कौन सा फूड इनटेक वो कर रहा है कितनी क्वांटिटी में कर रहा है और जितनी क्वांटिटी वो कर ही में ले रहा है तो इज दैट थिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द वेट और नॉट तो ये जो सेंस है ये उसके अंदर डेवलप कराई जाएगी थ्रू सेल्फ मे के थ्रू कि कितना फूड वो ले रहा है और किस टाइम पे ले रहा है और जो कि सम टाइम ये होता है कि द चाइल्ड थिंक कि मैंने अभी खाया था बिकॉज दे आर हैव द फीलिंग ऑफ फुलनेस इन इन देयर सेल्फ लेकिन जब वो उसको मॉनिटर करेगा कि अच्छा मैंने सुबह आठ बजे खाया था अब दोपहर के दो बज रहे हैं और मैंने कोई भी जो मील है वो दरम्या में नहीं लिया तो दैट हेल्प द चाइल्ड टू टेक एन अदर मील ठीक है तो इस तरह सेल्फ मॉनिटरिंग के थ्रू हम उसको हेल्प करेंगे फॉर इम्प्रूविंग द क्वान्टिट्टी ऑफ टेकिंग अ मील देन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए इम्पॉटेंट है क्योंकि सर्टन टाइम जब बुलिंग बिहेवियर वो बच्चा फेस कर रहा है जब वो टीजिंग बिहेवियर फेस कर रहा है इन्वायरमेंट में तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो वे इनकाउंटर नहीं कर पा रहा है इनकाउंटर के लिए वो क्या कर रहा है कि उसने एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली है कि ठीक है मैं खाऊंगा नहीं अगर मैं खाऊंगा नहीं तो मैं थिन हो जाऊंगा और मैं थिन हो जाऊंगा तो मैं लवेबल हो जाऊंगा दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग विच द चाइल्ड हैज डिजाइन फॉर हिम हर सेल्फ और अगर वो एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरफ ड्राइव हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक अनहेल्दी स्ट्रैटेजी है तो वी नीड टू बी डेवलप द स्ट्रैटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू बी फाइंड आउट कि प्रॉब्लम क्या है वाई द किड्स वर डूइंग दैट थिंग एंड हाउ द चाइल्ड कैन अप्रोप्रिएटली अप्रोच दैट प्रॉब्लम तो उसके अंदर हम पॉसिबल सोल्यूशन देखेंगे फॉर एग्जाम्पल uh, कि आप उसको हेल्दी फूड की तरफ ला सकते हैं ब्रदर के वो फूड खाना ही छोड़ दे आप हेल्दी डाइट की तरफ ला सकते हैं उसे आप उसे एक रूटीन सेट करके एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइम के लिए जिम में भेजा जा सकता है तो इस तरह जो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया जाता है और जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है उसमें ब्रेन की जाती है ब्रेन के थ्रू जो पॉसिबल सोल्यूशंस निकलते हैं उनको लाइफ के अंदर यूज़ किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि उनका रिजल्ट क्या है और आइदर द क्लाइंट इज़ हैप्पी विद दैम और नॉट और उसकी लाइफ के अंदर क्वालिटेटिवली जो है वो फ़र्क आया है या नहीं आया सो दीज आर द स्ट्रैटीज़ विच वी कैन यूज़ इन द सी बी टी थैंक यू